हेलो यूट्यूब, वेलकम टू फास्टैग। चलिए आज हम बात करते हैं सुपारी की। ना ना, ये वो सुपारी नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये वाली सुपारी है ओ खई के पान बनारस वाला। जी हाँ, तो चलिए आज हम बात करते हैं एक गांव के बारे में जिसका नाम है केरेबिलची, जिसको कहा जाता है द लैंड ऑफ अरेकनट। दोस्तों, दुनिया में इंडिया पहले नंबर पे आता है जहाँ पे 3.3 लाख टन्स अरेकनट प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसके लिए 2.64 लाख हेक्टर्स जगह यूज़ की जाती है। और इसमें कर्नाटका और केरला दो ऐसे स्टेट्स हैं जो 72% प्रोडक्शन करते हैं। दोस्तों, इस बिज़नेस में टोटल किसान से लेकर ट्रेडर्स तक 60 लाख लोग शामिल हैं। केरेबिलची सिचुएटेड है कर्नाटक के दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में, जो सेम डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। ये कनेक्टेड है शांति सागर लेक से, जो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट लेक माना जाता है। इस गांव में आपको लगभग 95% लोग अरेकनट के बिजनेस में लगे मिलेंगे। बच्चे, जवान, बूढ़े और औरतें सारे ही इस बिजनेस की नॉलेज रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रोसेसिंग की तरफ। सुपारी का पेड़ लगाने के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी के फल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो तकरीबन 3 महीने में ज़मीन से बाहर उग आते हैं। जैसे ही पौधा 4.5 या 5 साल का होता है, ये आपको फल देना शुरू कर देता है। अगर इन पौधों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो इनकी उम्र 50 साल तक हो सकती है। अगर हम बात करें पेड़ से फल लेने की, 6 मंथ का सीजन होता है जिसमें 4 या 5 बार कटाई होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 40 डेज तक होती है। एक सीज़न की कटाई में पेड़ से तकरीबन 700 से लेकर 1000 तक फल निकाले जा सकते हैं, जो लगभग 3 से लेकर 3.5 किलो सुपारी के इक्विवेलेंट है। फल तोड़ने के बाद इसको मशीन के ज़रिए या फिर मैन्युअली पील किया जाता है या फिर छिलका निकाला जाता है। मशीन का जो पीलिंग प्रोसेस है, इसके बाद इसको मैन्युअली सॉर्ट आउट किया जाता है और जो बचे हुए छिलके रहते हैं इसको निकाला जाता है। तो फल पीलिंग प्रोसेस होने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है, जो तैयार है बॉइलिंग के लिए। और इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस, बॉइलिंग। बॉइलिंग के लिए एक लिक्विड बनाकर इसको उसके साथ में पकाया जाता है। लिक्विड बनाने के लिए कुछ पेड़ों के जो तने होते हैं उसके छिलके यूज़ किए जाते हैं।
लिक्विड के साथ इसको एक घंटा उबालने तक इसको बाहर निकाला जाता है और फिर ड्राइंग के लिए 5 या 6 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। तो जैसे ही सुपारी बनके तैयार होती है, इसको गन्नी बैग्स में पैक किया जाता है और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो ऑन सुपारी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, और अपने दोस्तों को भी बोलिए शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।